वेलकम टू एजुकेशन तिल से। आज हम आपको लिमिट और डेरिवेटिव जो क्लास 11 का चैप्टर है उसके हम आपको सेकंड पार्ट करा रहे हैं 13.1 का। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो हमने लिमिट पुट करी यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपने क्या देखा, कॉस एक्स जीरो, जीरो होता है कॉट जीरो भी जीरो, तो जीरो फॉर्म हो गई है। उसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या करना है, हमें फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे वो देखो। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका वन अपॉन में साइन एक्स। कोट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका आप एलसीएम ले लेना। तो यहाँ पे साइन एलसीएम आ गया और वन माइनस कोस हो गया। उसके बाद देखो, वन माइनस कोस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, अगर थोड़ा वो याद हो तो आपको, यहाँ पे आएगा आपका टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है, याद लिख लेना इसको साइड में कि वन माइनस कोस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है भाई, उसके बाद बात करें साइन क्या होता है। साइन की दो फॉर्म होती है, टू साइन एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू। तो साइन टू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, टू साइन एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू। तो इस वाले पार्ट से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन अपॉन में कॉस आपका हो जाएगा टेन। ठीक है, यहाँ पर लिमिट पुट कर देना तो आपको पता होना चाहिए टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये था आपका, आइए इसका 22वां क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है भाई आपका, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लिमिट पुट करोगे। तो मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ। लिमिट क्या है मेरे पास, देगा पाई बाई टू रखी है नीचे भी। तो ध्यान से देखो, टू से टू कट गया, टेन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, ये भी जीरो। तो हमें जीरो जीरो फॉर्म आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का सबसे पहले दोबारा नोट करेंगे। इसको करने का एक तरीका होता है क्या, नीचे वाली फॉर्म को मैंने पुट कर लिया क्या, एक्स माइनस पाई बाई टू को मान लिया मैंने टी। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, क्या आएगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, जब भी हम पुट करते हैं लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये रख सकते हैं, इसको रख देंगे तो लिमिट क्या हो गई हमारे पास, ज़ीरो हो गई। ठीक है, इसको आगे करते हैं। अब देखो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अब टी हो जाएगी, तो लिमिट हमारी चेंज हो गई है। उसके बाद टेन टू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू ये निकाली हमने, क्या टी प्लस पाई अपॉन में टू, और नीचे वाली फॉर्म को हमने क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, टू की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई अंदर कर देगा, टू टी प्लस टू वाली फॉर्म हो जाएगी, टू से टू कट गया, यहाँ पे टी रहेगा, तो क्या बचेगा, टेन पाई प्लस टू टी अपॉन में टी हो जाएगा। अब टेन पाई प्लस थीटा क्या होता है, टेन पाई प्लस थीटा होता है टेन थीटा ही, तो ये टू टी हो जाएगा अपॉन में टी। एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं आज टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली फॉर्म हमारी जो बनेगी वो हमारी वन हो जाएगी। तो ये टू मल्टीप्लाई वन, ये हो गया टू। तो फॉर्मूला याद रखना इसका एक, कि लिमिट की फॉर्म होती है टी ज़ीरो, बाद में क्या होगा आपका टेन टी अपॉन में टी इजकल टू वन होता है। यहाँ पर एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। ठीक है, उससे इसका 23वां क्वेश्चन करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है भाई, आपको लिमिट चेक करने के, लिमिट ये एग्जिट करेगी या नहीं करेगी, दो केस देख के। पहले केस में आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि ज़ीरो पे लिमिट एग्जिट करेगी या नहीं करेगी, और सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया कि सेकंड केस में कि आप बताओ कि ये वन पे एग्जिट करेगी या नहीं करेगी। पहले बात करते हैं ज़ीरो की, तो याद रखना इसमें तीन चीज़ की निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जीरो दे रखा है हमें लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट निकालने क्या रहेंगे, एक्स की क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। जीरो से छोटे को माइनस से डिनोट करते हैं, क्या हम जीरो से छोटे कोई नंबर लेंगे तो उसको माइनस से डिनोट कर देना आप। तो जीरो से छोटे कौन सी फॉर्म होगी भाई, ये वाली। तो क्या है यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री। इसके बाद क्या करोगे आप, लिमिट पुट कर दोगे, तो ये तीन आ गया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं,
अब जीरो से बड़े रखने हैं तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लगाने के बाद क्या जीरो से बड़े, जीरो से बड़ी फॉर्म ये है तो 3x+1, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दोगे तो 0+1, 3 + 3 ये बराबर हो गया। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम जीरो देखते हैं, जीरो किसके बराबर है, यस के बराबर दे रखा है तो 2 0+3 तो कितना गया 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू फंक्शन, तीनों बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास, लिमिट दे रखी है हमारे पास एक्स और ज़ीरो, फंक्शन आर एग्जिट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म की, पहले केस में क्या बोलेगा, लिमिट चेक करना है हम लोगों को, वही बात करेंगे इसमें भी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं तो क्या होगा, हमें चेक करना है कि एक से छोटे, जरा मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इसने बोला 1 से छोटे, तो 1 से छोटे तो ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहता है, अगर 0 छोटा होता फिर मैं नेगेटिव होता। तो देखो देखो एक से छोटा वाला पार्ट भी ये लेंगे, क्यों, यहाँ देख बड़ा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 1 भी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 3x+1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो कितना का 6 आ गया। राइट हैंड साइड अब बात करते हैं 0 से 1 से बड़े वाले पार्ट की, 1 से बड़ा तो सिंपल सा पार्ट है कि 1 से बड़ा सारा नंबर पॉजिटिव ही होंगे, तो 1 से बड़ी फॉर्म क्या होगी, जो 0 से बड़ा होगा वो 1 से बड़ा भी होगा, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन को लेंगे, ठीक है, जो लेफ्ट में लिया वो राइट में भी लेंगे, तो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये पार्टी बराबर हो गया। अब हम चेक करते हैं कि अगर 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखने के बराबर, देखो भाई ये 0 के बराबर देख का है तो हमें पता ही नहीं 1 के बराबर कौन सा होगा, तो हम इस वाले पार्ट को ले देते हैं, तो क्या होगा 3 1+1, ये भी 6 हो गया, ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और फंक्शन तीनों बराबर है, तो लिमिट आर एग्जिट, तो लिमिट आर एग्जिट, ठीक है, हैंस लिमिट आर एग्जिट। ये था आपका 20। आइए इसका 2400 क्वेश्चन करते हैं। 2400 क्वेश्चन क्या भाई आपका, कि आपको अब चेक करना है केवल एक कंडीशन पे, 1 पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिट होगी या नहीं होगी, तो कैसे करेंगे भाई इसको, वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और 1 पे, इन पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे कि 1 से छोटे वाले पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, 1 से छोटा वाला पार्ट, ठीक है भाई। तो 1 से छोटे वाले पार्ट में आप ज़्यादा ध्यान से देखो, 1 से छोटा वाला पार्ट कौन सा रखा है क्वेश्चन में, आपको जरा आपको देखा होगा ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट 1 से छोटा वाला पार्ट है, तो क्या आएगा x²-1, यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो क्या आएगा 1² - 1 0। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, एक से बड़े वाले पार्ट लेंगे, एक से बड़े वाले पार्ट में क्या यूनिफॉर्म दे रखी है हमारे पास, मतलब ये, तो इसको हम ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस का x²+1 -1, लिमिट पुट कर देंगे, इस माइनस के मतलब नहीं है, लिमिट हम अंदर पुट करना है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। हमने क्या देखा है, ये वाला पार्ट ही बराबर नहीं है, तो ये पार्ट नहीं बराबर तो उसकी तो मतलब ही ख़त्म, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस लिमिट आर डज नॉट एग्जिट, ठीक है भाई। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको लिमिट चेक करनी है किस पे, इस वाली फॉर्म पे, कंडीशन दे रखी है आपको ये, तो देखो इस कंडीशन में कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है कि आपको वी नो दैट डिफरेंट क्या है हमारे पास, कि एक चीज़ मॉडल्स में रखी है और हमसे बोला गया है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, हमें नहीं पता ये प्लस में या माइनस में है। मॉडल्स का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म प्लस में होती है और एक फॉर्म माइनस में होती है। प्लस वाली फॉर्म मतलब क्या होगा, जीरो से बड़ी वाली फॉर्म प्लस की होगी और जीरो से छोटी वाली फॉर्म माइनस की होगी,
ठीक है, इसका यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम जीरो से छोटे की बात करेंगे तो जीरो छोटे वाले पार्ट में मैंने आपको क्या लिखवाया है कि जीरो से छोटा वाला पार्ट भी यही होगा और बड़ा वाला पार्ट भी यही होगा। जीरो छोटे मैंने लिखवाया कि ये फॉर्म माइनस में होगी, तो यहाँ पे माइनस का एक्स अपॉन में एक्स, इस मॉडुलस की जगह आ जाएगा माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कट गया माइनस का वन। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड लिमिट की। तो क्या लिखेंगे, जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो से बड़े वाले पार्ट में क्या आएगा, ऊपर वाली कंडीशन आएंगे, मतलब प्लस वाली फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमें रखना है प्लस का एक्स अपॉन में एक्स, मॉडुलस एक्स का क्या आएगा, प्लस का एक्स, एक्स से एक्स कट गया हमारा वन आ गया। अब दोनों पार्टी बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट आर लिमिट हैंस लिमिट आर नॉट एग्जिट। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 26वां क्वेश्चन 25वें की तरह सेम था, तो इसलिए उसको मैंने नहीं कराया है, बस मॉडल्स ऊपर या नीचे लगाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर करना है उसका। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी मॉडल्स का क्वेश्चन जो आपको कराया है वो अलग मेथड से कराया है, एक डिफरेंट मेथड देखते हैं उसका। कैसे डिफरेंट मेथड होगा, आपको 5 पे चेक करनी लिमिट है होगी या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हम लोग, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, दो चीज़ चेक करते हैं। अब हम डिफरेंट मैटर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए माइनस एच कर लेंगे। यहाँ पे a क्या होगा, जो आपकी लिमिट दे रखी है, तो क्या दे रखा है, 5 माइनस एच दे रखा है। तो यहाँ पे x होगा उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। जब भी हम किसी चीज़ को पुट करते हैं, मैंने क्या बताया था, लिमिट चेंज होती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x इक्वल 5 दे रखी है तो 5 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हमें गिवन था, इसको उधर ले आते हैं, उसको उधर, तो 5 माइनस 5 तो लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। हम किस पे चेक करेंगे लिमिट को, अब लिमिट हमारी होगी क्या, 0, h इक्वल टू 0। और हम हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारे पास फंक्शन हमें दे रखा है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे हम वो ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप स्टार्टिंग से देख लो क्वेश्चन को, जब हम माइनस वाले पार्ट बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो पुट किया उसकी बात करते हैं, लिमिट हमारी 0 हो गई, हमारी फंक्शन जहाँ पे हमें x रखा है इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, क्या आएगा, रख दिया। अब जब ध्यान से देखो, लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, ये हो गया, तो 5 में से 5 गया तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। देखो हमने क्या किया, मैंने इस फॉर्म को यूज़ किया, ऐसी राइट साइड में क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस में कर लेंगे इसको, लिमिट तो सेम ही है, 5 ही दे रखी है। और जब हम पुट करते हैं तो आपको पता है हम लिमिट भी चेंज करते हैं अपनी, ठीक है, 5 को उधर ले जाओ तो लिमिट इसकी 0 एच की। और याद रखना, जब भी आप ये मेथड लगाओगे तो एच की लिमिट हमेशा 0 ही आएगी। आई करते क्वेश्चन को, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 5 से बड़ा वाला, तो 5 से बड़े वाले के लिए हमने पुट की कोई कंडीशन, तो इसको कहाँ रख देंगे, इसकी जगह, तो 5 प्लस एच माइनस का 5 लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 माइनस 5 ये भी 0। हमें एक्चुअल में आंसर कैसे चाहिए था, हमें इसका आंसर चाहिए। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, तो लिमिट तो एग्जिट करती है, लिमिट आर एग्जिट, लिमिट आर एग्जिट। उसके बाद हमें फॉर्म कौन सी है, देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी जो फॉर्म आई है हमारे पास क्या आई है, इसकी भी 0 आई है और इसकी भी 0 आई है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये 0 है, ये 0 है, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये रहा क्या, ये फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 27। आइए इसका 28वां क्वेश्चन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, हमें कंडीशन दे रखी है, ये रही पूरी फॉर्म, इसने बोला है कि इसकी जो लिमिट है वो 1 के बराबर होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो आप निकालोगे, राइट हैंड लिमिट जो आप निकालोगे, फंक्शन के बराबर रख देना। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, हमें किस पे चेक करना है, 1 से छोटा वाला पार्ट लेना पड़ेगा,
तो वन से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो फॉर्म होगी वो होगी ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर आप क्या कर दोगे वन पुट कर दोगे, तो ए प्लस बी वन, तो ए प्लस बी आ गया। आपको पता है कि अगर फंक्शन में आप वन पुट करते हो तो कौन से किसके बराबर रखा है, चार के बराबर रखा है, तो चार, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपको फंक्शन रखना था, तो लिमिट क्या आ गई इसकी ए प्लस बी, ये हमारा हो गया फोर, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड की बात है तो राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, सब साफ बोल रखा है कि राइट हैंड साइड हमारा बराबर होगा फॉर्म के बराबर होगा, साफ बोला होगा इसने, तो राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे एक से बड़ी फॉर्म लोगे, तो एक से बड़ी फॉर्म वाली कंडीशन क्या है ये रही, एक से बड़ी वाली फॉर्म ये रही, तो अब यहाँ पे रख दोगे तो b माइनस ए एक्स हो जाएगी, तो लिमिट पुट कर दो तो b माइनस ए, हमें क्या चाहिए था राइट हैंड साइड हमारा बराबर किसको होना चाहिए था, फंक्शन के बराबर होना चाहिए था, ये तो b माइनस ए है, फंक्शन हमारा चार आया था, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। यहाँ पे हम इक्वेशन वन एंड टू को सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन वन एंड टू कोई सा भी मैथड लगा लो, ठीक है मैं ईजी मैथड लगाता हूँ। तो देखो भाई ए से ए कट गया, बी और बी टू बी चार और चार आठ, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी चार आ गई, इसको आप ऐड कर दोगे इसमें ऐड बाय इक्वेशन वन में, तो बी की जगह चार रख देंगे और यहाँ पे चार, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या भैया आपका, लेट ए वन ए टू ए थ्री इज ए फिक्स रियल नंबर एंड डिफाइंड ऑफ ए फंक्शन ऑफ दिस वन, हमें फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में क्या x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री सोन करके x माइनस ए एन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें लिमिट ए वन पर चेक करना है। पहले मैं इतना ही क्वेश्चन करता हूँ, तो पहला केस मान लेता हूँ उसको मैं, पहले केस में क्या है कि आपको लिमिट ए वन पर चेक करनी है फंक्शन पे, फंक्शन तो आपको अच्छे से पता ही है, फंक्शन ये रखा पूरा पूरा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू सो ऑन करके एक्स माइनस ए एन, जहाँ पे ए है एक्स है वहाँ पे ए वन रख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमारा ज़ीरो हो गया ए वन से ए वन का ज़ीरो हो गया। अगर ये ज़ीरो हो गया तो पूरी फॉर्म की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारी पूरी फॉर्म की फॉर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये भी ज़ीरो। तो हमने क्या निकाला, इसकी जो हमारी वैल्यू आई वाई ज़ीरो, तो हमारा इतना क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। आगे बात करते हैं फॉर्म सम ए नॉट इक्वल टू ए वन ए टू, तो हमें इसकी कंप्लीट करनी है, कैसे करेंगे केस सेकंड। अब जो हमें लिमिट रखनी है वो हमें रखनी है ए, वही फंक्शन में, तो रखते हैं अभी इसको, क्या होगा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू सो ऑन करके एक्स माइनस ए एन तक, तो हमें क्या रखना है ए रखना है केवल, जहाँ भी फॉर्म है वहाँ पे ए रख दो। तो हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, हमारी इस फॉर्म की वैल्यूस आ गई ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू सो ऑन करके ए माइनस ए एन, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, 31वें क्वेश्चन में क्या है आपको, आपको ये फॉर्म दे रखी है, फॉर्म क्या है आपको कि लिमिट एक्स वन, ये दे रखी है आपको, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों लिमिट को ऊपर नीचे कर देंगे यहाँ पे और नीचे भी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नीचे वन है इसकी मल्टीप्लाइस में, इसकी मल्टीप्लाइस में, चलो अब इसकी मल्टीप्लाइस में कर दी मैंने, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, तो वन का स्क्वायर वन, ये वन वन होगी फॉर्म हमारे पास। तो हमने क्या देखा,
पाई सी मल्टीप्लाई जीरो से कर देंगे तो जीरो जाएगी पूरी फॉर्म। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है इस वाले पार्ट की वैल्यू। तो इस टू को क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो टू प्लस को जाएगा आके, ये वाली फॉर्म जीरो ऑलरेडी थी तो हमारा आंसर क्या आ गया, टू आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, आइए इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 32वां क्वेश्चन क्या है भाई आपको, हमें फॉर्म दे रखी है, इसने बोला हुआ है इंटीजर दे रखे हैं एम और एन, आपको दो केस दे रखे हैं। केस वन है आपको जब आप जीरो पे चेक करोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, केस सेकंड है आप जब आप वन पे चेक करोगे तो आपकी फॉर्म क्या आएगी, क्या चेक करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो से छोटा लेंगे। अब जीरो छोटा वाली फॉर्म कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली फॉर्म, मतलब ये, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे, एक्स की जगह जीरो रख दोगे, तो एम जीरो प्लस एन, तो ये जीरो प्लस एन, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एन आ गई, राइट हैंड लिमिट जीरो से बड़े लेंगे, जीरो से बड़े वाले पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट है, मतलब ये लेंगे, फॉर्म क्या हमारे पास एम एक्स प्लस एम, जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ गया, जीरो प्लस एम, तो उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, एम आ गई। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उसका मतलब क्या है, ये लिमिट एग्जिट नहीं करती है, हैंस लिमिट आर डज नॉट एग्जिट। अब बात करते हैं वन वाले पार्ट पे, वन पे एग्जिट करेगी नहीं करेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसका, वन से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, तो वन छोटा वाला पार्ट ये है, तो रखते हैं भाई वन को यहाँ पे, तो कितना हो गया एम प्लस एन हो गया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, वन से बड़ा वाला पार्ट लेते हैं, वन से वाला बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो रखते हैं इसको, क्या रखिए, ठीक है भाई यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, तो ये भी सेम आ गया। अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो हम लास्ट वाले फॉर्म चेक कर लेंगे, कहाँ पे इक्वल टू वन रख के, इक्वल टू वन किसके बराबर था, इसके बराबर ही था, तो यहाँ भी हम वन पुट कर लेंगे, तो ये तीनों पार्ट हमारे बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया हमारे पास फंक्शन के। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, हैंस लिमिट आर एग्जिट, ठीक है, ये था आपका 13.1 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको 13.2 क्वेश्चन कराएंगे।